हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ होममेड स्टिकर्स, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं बच्चों को, तो सारे स्टिकर्स हमें मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो आज मैं बहुत ही यूनिक और सिंपल सा तरीका लेकर आई हूँ, जिससे आप अपने स्टिकर्स को घर पर ही बना सकते हैं। और मैं इनको बना करके रहती हूँ, क्योंकि मैं स्कूल सप्लाईज बनाती रहती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टिकर्स की। मार्केट के स्टिकर्स वैसे भी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी आते हैं। तो गाइस, इसको बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। तो सबसे पहले हमें एक वाइट पेपर शीट ले लेनी है, उसमें कुछ भी रैंडमली ड्रॉ कर लेना है, जो भी आप चाहें, जिसके भी स्टिकर्स आपको चाहिए हो आप उससे ड्रॉ कर सकते हो। उसमें कलरिंग कर लेनी है और फिर लास्ट में हमें सेलो टेप की हेल्प से इसको अच्छे से सिक्योर कर लेना है। आप चाहें तो इसको आगे ही सिक्योर करें, पर मैं इसको पीछे से भी अच्छे से सिक्योर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए रखती हूँ। यदि आप भी स्टिकर्स बनाकर रखना चाहते हैं तो पेपर को पीछे से भी अच्छे से सिक्योर कर लें। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इंडिविजुअली हमें इन सारे स्टिकर्स को कट कर लेना है। कट करते समय हमें ध्यान रखना है कि थोड़ा सा स्टिकर्स वाला लुक देने के लिए हम इसको थोड़ा सा दूर से कट करें, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे स्टिकर्स बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने 30+ स्टिकर्स बनाए हैं और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही यूनिक वे है। इसके बाद मैंने इसके सारे स्टिकर के पीछे डबल साइडेड टेप लगा दी है और आप देख सकते हैं 30+ स्टिकर्स मेरे फटाफट से बनकर के तैयार हो गए हैं। अब जब भी मैं कुछ भी क्राफ्ट करूँगी और मुझे स्टिकर्स की ज़रूरत होगी, तो मैं इनको फटाफट से ऐसे निकाल करके पेस्ट कर लूँगी। तो यदि आप भी ये वीडियो देख कर के स्टिकर्स घर पर बनाएंगे तो गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना, और साथ ही वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल का आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस लेकर के आऊँगी गाइस इस समर वेकेशन में। तो जस्ट लाइक इट, सब्सक्राइब इट। बाय बाय।